जाए यार। बस नेशनल यूनिटी डे जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 के 31 अक्टूबर को यह प्रपोजल देश के आगे रखा और तब से लेकर देश में एक यूनिटी डे मना रहा है और आज भी पूरे देश में जोर शोर से मना रहा है। और आज ही के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 को हटा के लद्दाख को अलग से यूटी का स्थापना किया और इसी उपलक्ष में पूरे लद्दाख वाले जो है यूटी के जो 5वीं स्थापना दिवस यानी कि 4 साल कंप्लीट होके इसका जश्न मना रहा है और उसी के उपलक्ष में भारतवर्ष के हमारे जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी लद्दाख पधरे हैं और पूरे लद्दाख वासियों के ओर से आपको बहुत बहुत स्वागत के साथ हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और साथ ही साथ हम पूरे लद्दाखवासी बहुत सौभाग्यशील है कि भारत के जो राष्ट्रपति लद्दाख पधार के 2 दिवसीय उनका दौरा लद्दाख में रहेंगे और कल सियाचिन भी जाके हमारे देश के सेनाओं के साथ उनका मिलना होगा और उसके बाद जो है आज उससे पहले आज शाम को हमारे प्रशासन की ओर से यूटी फाउंडेशन डे मनाएंगे और कल पूरे समाज के साथ जो है सिंधु घाट पे महामहिम राष्ट्रपति जी पधार के पूरे लद्दाख वासियों की ओर से यूटी का स्थापना दिवस मनाएंगे। और ये लोगों के लिए हम लद्दाख वासियों के लिए बहुत सौभाग्यशील इस बात की भी है कि देश के माननीय मोदी जी के सरकार हो या राष्ट्रपति जी का सीधा नज़र जो है लद्दाख के प्रति हमेशा रहते हैं, लद्दाख के प्रति प्यार रहते हैं, आशीर्वाद रहते हैं। इसलिए मैं पूरे लद्दाख वासियों की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी को यहाँ पधारने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और पूरे लद्दाख वासियों को और देशवासियों को इस जो है हमारे वीर भूमि लद्दाख से बहुत बहुत बधाई देता हूँ।